नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे, आपको बताते चले कि अग्निपथ के खिलाफ किस तरह से धरना प्रदर्शन देखा गया, लेकिन इस बीच में अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन किए और योजना को प्रभाव से ही यहां रद्द करने की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां आप देखिए, अग्निपथ योजना जो यहां चलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें युवाओं को भर्ती किया जाएगा सेना में, लेकिन इस बीच में आम जनता में किस तरह से रोष देखा गया वो देखने वाली बात है। 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी युवा हैं उन्हें भर्ती किया जाएगा, सेना में भर्ती किया जाएगा और 4 साल के लिए उन्हें इस नौकरी पर रखा जाएगा। और उसके बाद आप देखिए 75% को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और 25% युवाओं को आगे के लिए भी रखा जाएगा। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए गए और अग्निपथ योजना सवालिय निशान के घेरे में आती हुई नजर आई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से यहां पर मोर्चा खोल दिया है और योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अग्निपथ योजना को वापस लेने की वो मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि युवाओं के साथ महज यहां खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही आपको ये बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि इस योजना के फायदों को भी सामने रखा जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए और युवाओं को समझाने की कोशिश की जाए कि आखिर अग्निपथ जो योजना है उसमें किस तरह से आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप ये देखिए, जिस तरह से लगातार युवा भी पहले लामबंद होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है और महज सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ यहां पर युवाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस सब पर रोक लगाने के लिए तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेने की भी मांग कर दी गई। इस वक्त बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन की यहां पर शुरुआत कर दी गई है और अलग अलग जिलों के अंदर भी इसी तरह से धरने प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखे गए हैं। और साथ ही अब देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरह से विपक्ष जो है वो मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से आह्वान किया गया है कि युवाओं को इसके लाभ के बारे में यहां पर जागरूक किया जाए कि आखिर अग्निपथ जो योजना चलाई जा रही है उसका सीधा लाभ यहां युवाओं को भी मिलेगा और ड्यूटी के दौरान अगर कोई यहां शहीद हो जाता है तो उसे भी पूरी तरह से आप देखिए मुआवजा दिया जाएगा, दिव्यांग अगर कोई हो जाता है तो भी उसे मुआवजा दिया जाएगा। कुल मिलाकर आप देखिए 4 साल के लिए ये भर्ती यहां पर करवाई जाएगी, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ये फायदेमंद की बात है। लेकिन उस बीच में कांग्रेस और विपक्ष की अगर बात करें तो पूरी तरह से लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें साथ में अग्निपथ योजना को मद्देनजर रखते हुए काफी तरीके से बातचीत करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस बीच में किस तरह से अब यहां आम जनता को और युवाओं को जागरूक किया जाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी बार बार बताया गया है कि सबसे पहले युवाओं को यहां पर इसके मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह जागरूक किया जाए कि आखिर स्कीम के फायदे क्या कुछ होने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि अग्निपथ जो योजना चलाई गई है उसका सीधा फायदा युवाओं को होने वाला है और युवाओं को जब इसका फायदा होगा तो जाहिर तौर पर आप देखिए युवा जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता नजर आएगा। अग्निपथ योजना भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी हुई एक ऐसी योजना है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में यहां पर दिखाया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। लेकिन उसके साथ ही सरकार के खिलाफ पूरी तरह से यह मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करती हुई, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस यहां 20 राजधानियों में अभी तक प्रदर्शन कर चुकी है और अग्निपथ योजना और महीने का आखिरी जो रविवार होने वाला है था उसमें भी आपने देखा कि कल भी किस तरह से धरना प्रदर्शन यहां पर हुआ। लेकिन युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनिल से ही जानेंगे कि आखिर अब कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरह से लामबंद होती हुई नजर आ रही है। अनिल, क्या कुछ कहना था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि लगातार आप देखिए अग्निपथ योजना जो है जब से सामने लाई गई है उसी वक्त से धरने प्रदर्शन देखे गए हैं, लेकिन सेना ने भी साफ कह दिया है कि योजना वापस नहीं लेने वाले हैं कोई भी और इस पर काम आगे भी चलेगा, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस आज एक बार फिर से लामबंद। जो है वो शक्ति पर
दर्शन किया गया है। और जिस तरह से सेना प्रमुख का जिक्र करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर कर दिया गया था कि इस अग्निपथ पॉलिसी को जो है वो रोल बैक नहीं किया जाएगा और इसी तरह से आगे की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। मगर अन्यथा कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है वो लगातार शक्ति प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। कल का अगर जिक्र करें या फिर आज का जिक्र करते हैं तो आज भी इसी तरह से देश विरोध के अंदर जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं। और जम्मू का अगर जिक्र करते हैं तो जम्मू में भी कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत मिर्जा का अगर जिक्र करते हैं तो एक बार फिर से वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो कड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। उनका यही साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस पॉलिसी को, युवा विरोधी पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया जाता है, जिस तरह से किसान आंदोलन है या फिर उसके साथ अन्य पॉलिसियों का जिक्र करते हैं, तो सरकार ने उन पॉलिसियों को भी कुछ समय पहले रोल बैक किया था, तो इसी तरह से इस पॉलिसी को लेकर भी रोल बैक करना चाहिए क्योंकि युवा विरोधी पॉलिसी जो है वो साफ तौर पर जाहिर होती है। उसमें बताया गया है कि 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को भर्ती किया जाएगा, 4 साल के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सशक्त उन्हें किया जाएगा और इस दौरान उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। 10 लाख के करीब 4 सालों में वो लोग कमा सकते हैं। और बार बार केंद्र सरकार भी कह रही है कि युवाओं को जागरूक कीजिए, लाभ के बारे में भी बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पर कहे राजनीतिक खेलती हुई नजर आ रही है और युवाओं को जो है कहीं ना कहीं एक और राहत की ओर भटकाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है वो युवाओं को बदला हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन जैसे शक्ति प्रदर्शनों से कई सारे युवा जो है वो अपने रास्तों से भड़क सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर जो है वो चिंतन मंथन करना चाहिए और कांग्रेस का यही कहना है कि जब तक इस पॉलिसी को रोल बैक नहीं किया जाता और ये शक्ति प्रदर्शन उसी तरह से जो है वो जारी रहे। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अग्निपथ योजना जो है वो यहां पर लाई गई है और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी लामबंद होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस बीच में बार बार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि युवाओं के अंदर जागरूकता डाली जाए, स्कीम को लेकर जागरूक उन्हें किया जाए। आगे बढ़ जाएंगे, बाबा बर्फानी के हवाले से भी आपको खबर दिखा देते हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और बहुत ही जल्द आप देखिए किस तरह से भारी रश देखने को मिलेगा, लेकिन देश भर के राज्यों में जम्मू पहुंचने वाले बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो देखते ही बन रहे हैं। काफी तरीके से तांता अब लगता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन और आधार शिविर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है। आधार शिविर में लंगर लगाने वाली संस्थाओं ने यहां पर सेवा शुरू कर दी है और जम्मू से बुधवार को यहां अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, महज कुछ ही दिन अब बाकी रह गए हैं अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में। देश भर के अलग अलग कोने से यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी और जम्मू पहुंचने लगे हैं अब बाबा बर्फानी के भक्त। रेलवे स्टेशन और आधार शिविर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आधार शिविर में भी लंगर लगाने वाली संस्थाएं पूरी तरह से पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। जयकारों से अब जम्मू यहां गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आधार शिविर में लंगर लगाने वाली संस्थाएं अपना काम करती हुई अपनी सेवा यहां पर देती हुई नजर आ रही है और जम्मू से बुधवार को पहला जत्था बाबा बर्फानी के लिए रवाना किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, लगातार आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि हर किसी की नजरें अमरनाथ यात्रा पर टिकी हुई थी कि कब अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाए और वो बाबा बर्फानी के यहां पर दर्शन कर ले। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बाहर से श्रद्धालु जम्मू के अंदर पहुंच चुके हैं और जयकारों से अब आधार शिविर भी गूंजने लगे हैं। और जाहिर तौर पर अब सवाल यह है कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होनी चाहिए थी, क्या जमीनी सतह पर उस तरह से काम किया गया है, क्योंकि प्रशासन ने काफी दिन पहले से ही कमर कस ली है और किस तरह से वहां पर अब हालात हैं। रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप देखिए बाहर से श्रद्धालु अब जम्मू के अंदर पहुंच चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम और किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यात्रियों का श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आगमन जम्मू में हो चुका है और उसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जम्मू में अलग अलग जगहों पे सुरक्षा की दृष्टि से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग अलग जगह पे तमाम तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं और इन्हीं सुरक्षा के इंतजाम को देखने के लिए एलजी मनोज सिन्हा का दौरा जो है अलग अलग यात्रा निवास जो है वहां पे किया जाएगा। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग जगह पे कैंप जो है वो लगाए गए हैं और इसी के चलते रेलवे स्टेशन के पास यात्रियों की सुविधा के लिए 3 से 4 कैंप जो है वो लगाए गए हैं और उसी में से आपको बता दूं कि एक उसमें से सरस्वती धाम भी आता है जो कि श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे भी कैंप का आयोजन किया गया है जहाँ पे लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ रहे हैं। एक लिमिट कोटा जो है डेली के हिसाब से डेली बेसिस पे रखा गया है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन के हिसाब से टोकन दिया जाता है और उसी टोकन मिलने के बाद
रजिस्ट्रेशन उन सब यात्रियों का किया जाएगा। लेकिन रितिका, सवाल यहाँ पर यह है कि भक्तों का ये भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो पा रही है, काफी परेशानियां उन्हें आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो दिक्कत आ रही है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जो टोकन देने का कार्य किया जा रहा है वो एक डेली बेसिस पे लिमिटेशन रखी गई है कि 2000 यात्रियों को जो छोड़ा जाएगा उसी के हिसाब से टोकन और रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तो सुबह 6 बजे ये टोकन मिलने का काम जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू कर दिया जाता है, और एक सिंगल बेस कैंप जो यहाँ पे लगाए गए हैं इन कैंप में 800 के हिसाब से ऑफलाइन जो है ये टोकन दिए जाते हैं। जब 800 की लिमिट तक ये पहुंच जाते हैं तब ये टोकन देना बंद कर देते हैं, उसके बाद जो यात्री आते हैं उन्हें उल्टे पैर वापस भेज दिया जाता है और अगले दिन आने की नसीहत जो है वो दी जाती है। अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? जी आपको बता दूं, लाखों के हिसाब से यात्रियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और लगातार यात्री आ भी रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये आंकड़ा इस अब की बार काफी आगे जाने वाला है क्योंकि 2 से 3 साल के बाद ही यात्रा होने वाली है, तो तमाम देश भर से यात्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से आधार शिविर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया है, साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए पूरा ख्याल यहां पर रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप देखिए किस तरह से यहां पर ऑनलाइन तरीके से भी आप करवा सकते हैं और दूसरी तरह से भी यहां सहूलियत जो है वो प्रदान की गई है। सांबा लिए चलेंगे, अब आपको सांबा से भी बड़ी खबर दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से सांबा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा जिले में स्नेचिंग की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब विजयपुर में रेलवे रोड पर राह चलती महिला को निशाना बनाया गया है। महिला का पर्स छीनकर रफू चक्कर हो गए हैं बाइक सवार और अपराधियों के आगे नतमस्तक हो गई है सांबा पुलिस। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कुछ दिन पहले भी इसी तरह से यहाँ पर सवालिया निशान पुलिस पर लगते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सांबा जिले से एक बार फिर से बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर स्नेचिंग का मामला सामने आया है और स्नेचिंग की वारदातें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महिला का पर्स छीनकर यहां सवार जो बाइक पर थे युवक वो रफू चक्कर हो गए हैं और महिला का पर्स छीनने की यहां पर कोशिश की गई। अपराधियों के सामने पुलिस कहीं ना कहीं नतमस्तक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिला सांबा पुलिस पहले बहुत बड़े दावे सामने पेश कर रही थी, लेकिन अब आप देखिए जिस तरह से चोरी की घटनाएं स्नेचिंग के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन दिहाड़े यहां पर स्नेचिंग की वारदातें देखी जा रही है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल पुलिस पर जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस यहां क्यों काम करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ बड़ा दावा तो आप लोग पेश करते हैं लेकिन जमीनी सतह पर उस पर कितना काम होता है, कितना अमल होता है, ये बड़ा सवाल रहता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप देखिए विजयपुर से देखने को मिल रही है, जहां पर विजयपुर पुलिस स्टेशन के अंदर भी इस मामले को दर्ज कराया गया है, लेकिन इस बीच में महिला के साथ एक बार फिर से स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है और रफू चक्कर हो गए हैं बाइक सवार। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, कुछ दिन पहले भी इसी तरह से चोरी और स्नेचिंग की घटनाएं, लेकिन आज इस पर लगाम लगने की बजाय और मामले बढ़ते गए। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें जो हालात इस समय जिला सांबा में बने हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज इतने चरम पर पहुंच चुके हैं कि एक आम व्यक्ति का घर से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और दो दिन पहले ही इसी तरह की वारदात बड़ी ब्राह्मणा इलाके में सामने आई थी, लेकिन आज ये जो वारदात विजयपुर के रेलवे रोड पे सामने आई कि एक रात चलती महिला जिसे स्नेचर्स ने पर्स छीन लिया और उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 12 तोले के आसपास गोल्ड आइटम्स भी रखी थी और 8,000 रुपए के आसपास कैश और एक मोबाइल फोन भी यहाँ से चोरी हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेखौफ होकर ये जो स्नेचर्स हैं, ये जो चोर हैं, ये लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और इससे पहले भी हम लगातार ये बात करते रहे कि पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि पुलिस इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रही है, और जितनी ये वारदातें पेश आई मुझे लगता है कि अगर पुलिस इसमें वक्त पर संज्ञान लेती तो शायद इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज ना होती और अलग अलग जगहों पर जो इनकी पुलिस की टीमें हैं उनकी गश्त काफी ज्यादा जरूरी थी, लेकिन शायद गश्त करना तो दूर की बात है, यहां अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रही है चेहरे कौन है, क्या ये कोई बाहरी राज्यों के लोग यहां पर सक्रिय हुए हैं या कोई लोकल है या नशा करने वाले लोग हैं। हालांकि ज्यादा तौर पर देखें तो ये बात यहीं पर आकर रुकती है कि ये नशा करने वाले लोग हैं, लेकिन जब इनका नशा टूटता है तो ये किसी भी हद तक जाकर हम इंसानी जिंदगी की बात करें तो वो भी कुछ नहीं है, उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं जो लगातार इसमें एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर रही है और खासतौर पर हर एक व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। लेकिन ऋषि, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, पुलिस इतनी ढिलाई क्यों बरत रही है और दिन ब दिन वारदातें भी बढ़ती जा रही है। देखिए अगर पुलिस के एंड पर बात करें तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही है, और अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं,
वो लगातार एक चेन बनाकर ये काम कर रहे हैं। और कल भी आपने देखा कि बड़े नाना इलाके में घर से मोबाइल चोरी हो जाते हैं, उसके बाद वो एक चोर नहीं बल्कि उसके साथ पांच से छह लोग इन्वॉल्व थे उस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए। तो अब यहाँ तक ये घटनाएं नहीं रुक रही थी, लेकिन अब राह चलती महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और पैसे आते हैं। ये नकाबपोश लोग हैं जो आते हैं और लोगों के हाथों से कीमती सामान चुराते हैं, प्रोटेस्टर हो जाते हैं, फिर इनका आता पता ही कुछ नहीं चलता। तो यहाँ सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही थी, कहीं से अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है तो उसको क्लू बनाकर काम किया जाएगा और इस तरह के चोरों की जो धरपकड़ है वो जल्द की जाएगी। लेकिन अब देखना है कितने जल्दी पुलिस काम करती है, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान लग चुका है कि इनकी धरपकड़ चोरों की पुलिस के लिए जो वो साबित होता है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां सवाल निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है कि ये चोर कौन है, ये स्नेचर कौन है, कहां से यहां पर पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्क बीएसएफ के जवानों ने अमरनाथ यात्रा से पहले यात्रा में खलल डालने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और आरसपुरा की बकरपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है और मारे गए घुसपैठिए की पहचान यहां पर नहीं हो पाई है। और आज तड़के 4 बजे बीएसएफ की 36वीं बटालियन ने बकरपुर सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधियां देखी है और जैसे ही पाकिस्तानी सीमा से यहां घुसपैठिए ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, जवानों ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी। उसने जवानों की चेतावनी को अनसुना कर पाकिस्तानी सीमा की ओर यहां लौटने का प्रयास कर दिया है, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने उसे वहीं पर ढेर कर दिया। और सीमा पर तारबंदी के नजदीक पड़े इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को शक के बाद आरसपुरा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्ष के उपरांत बाबा अमरनाथ जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। और प्रदेश पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के 35,000 जवान विशेष रूप से यहां पर तैनात किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आईबी और एलओसी पर भी सुरक्षा बलों की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी डीजीपीसी के यहां पर चुनाव आज कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच करवाए जा रहे हैं और मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 1 बजे तक संपन्न होगी और उसके बाद 2 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके बाद वीडियोग्राफी यहां पर की जाएगी। और जम्मू जिले के डीजीपीसी के चुनाव में 51 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें एक महिला उम्मीदवार भी शामिल है। और चुनाव में इस बार आम सहमति काफी नजर आई है, जिसके चलते 70% उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं और जम्मू कश्मीर में 55 निर्वाचन क्षेत्रों में जम्मू संभाग के 40 और कश्मीर संभाग में 15 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हो रहे हैं और 150 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में रह गए हैं। और जम्मू संभाग में 112 और कश्मीर संभाग में 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो रहा है। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन बहुत ही सोहने ढंग चल रही है, संगतां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बहुत सोहने ढंग वोटिंग चल रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे ढंग चल रहा है और मैं जड़ा भी कैंडीडेट जीत के आता है उसके अगे यही अपील करना हाँ कि जो पिंड छोटे गुरुद्वारा साहब हैं उन्हों की मदद कर और ये सेवा सिर्फ और सिर्फ गुरु घर वास्ते कर, ना कि पोलिटिक्स वास्ते कर, मेरा यही सारे अगे बेनती है। मैं कहना कि साफ सुथरे तरीके कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की चीनीवी गल नहीं करनी चाहिए। जिन्हों तुसी वोट पानी है जो योग कैंडीडेट तुहानू लगता है कि जिहड़ा साडी अगे सही सेवा निभा सकता है एज ए गुरसिखी, उस बंदे नू वोट पाओ। बाकी बड़े अच्छे तरीके नाल ये प्रोसेस चलिया करता है, बाहर देखो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और बड़ा स्मूथली और बिल्कुल पीसफुली चल रहा है। सुबह से एग्जैक्ट टाइम पे सब आ गए थे और यानी सिक्योरिटी का बेहतरीन इंतज़ाम है, ज़िला इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अनटावर्ड इंसिडेंट ना हो या कोई इस किस्म का माहौल ख़राब ना हो, बल्कि आवाम की तरफ से भी और जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से भी पूरा ताबुन है और बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है और डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से और पुलिस इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अल्लाह के फजल से यहाँ बहुत ही पुरमन तरीके से अभी तक जो है वो पोलिंग चल रही है। 1 बजे तक पोलिंग चलेगी, उसके बाद 1 घंटे का वक्फा है और फिर उसके बाद काउंटिंग है।
तो बाबा बर्फानी की यात्रा को अब केवल यहां 3 दिन रह गए हैं और साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी जम्मू पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं बाबा बर्फानी की यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं भी जम्मू सहित अन्य स्थानों पर पहुंच चुकी हैं और जम्मू में भी इन संस्थाओं ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन संस्थाओं के मुताबिक जम्मू के आधार शिविर में सरकारी लंगर का शुभारंभ 30 जून को होगा, लेकिन उनके द्वारा 28 जून से ही लंगर का शुभारंभ किया जाएगा। और पहली बार हम लोग जम्मू आए यहाँ पे अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए और यहाँ पर सेवा भाव से रुके हैं और ये वाला जो लंगर है बहुत बढ़िया है, सेवा जो लोगों की करता है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं ये लोग। बस यही उम्मीद है कि भगवान जी हमें बुला ले वहाँ पे, अच्छी तरीके से यात्रा सफल हो हमारी। हम 25 साल से भंडारा लगा रहे हैं यहाँ पे, हर साल भंडारे पे आते हैं, हमें खुशी होती है। ये कोरोना की वजह से 2 साल के लिए जो भंडारा नहीं लगा, भोले बाबा ने इस साल यात्रा शुरू कराई है। सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सारे भंडारे वाले आ चुके हैं, हमारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। हम यात्रियों के आने की वेट कर रहे हैं कि यात्री कब आए और हम भोजन प्रस्थान करें। हर तरीके से हमारी तैयारी है। कितने प्रकार के भोजन जो यात्रियों को मिलेंगे? सुबह नाश्ता देते हैं, चाय नमक पारे वगैरह। दिन शाम 9 बजे देते हैं हम, जैसे पूरी सब्जी छोले भटूरे हो गए। दोपहर को चावल दाल होगी, शाम को चाय नाश्ता जैसे चाय पकौड़े 4 बजे। शाम को 7:30 बजे आरती के बाद रोटी होगी, चावल होगी, सब्जी होगी, दाल होगी, मीठा होगा। और हम माता रानी जी और शिव भोले से यही दुआ करते हैं कि 3 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं भक्तों का, तो अभी पूरी उम्मीद है बाबा जी से कि अच्छी संख्या में जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, हम उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। हमारी जो टीम है उनके लिए इंतजार कर रही है और जो हमारा ऑफिशियल भंडारा है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो 30 जून से यात्रा चलनी है। और हमारा जो 2 दिन पहले से ही हम प्रबंध कर चुके हैं कि 28 जून से हमारा सुबह से ही लंगर स्टार्ट होगा भगवती नगर में। तो किश्तवाड़ पुलिस ने 11वीं क्लास के अंदर यहां परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाइयों को ही गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला किश्तवाड़ की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान का है, जहां पर 11वीं कक्षा की परीक्षा चल रही थी और इस दौरान जब परीक्षा में तैनात स्टाफ को एक छात्र का शक हुआ तो उसकी जांच की गई और इस जांच में मुश्ताक अहमद पुत्र मोहम्मद शफी निफासी, यहां कुश्चल को तारिक हुसैन पुत्र जीएस अली की जगह परीक्षा देते हुए पाया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुश्ताक अहमद और तारिक हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने भाजपा सरकार पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने का आरोप लगा दिया है। चेन्नई में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से जनता बिजली पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार को लेकर मायूसी है और उन्हें आम आदमी पार्टी से उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। हर्षदेव ने कहा कि साथ ही साथ यहां पर जनता बदलाव चाहती है और वो बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है और कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन भी थामा। श्री अरविंद केजरीवाल जी जिंदाबाद। देख रहे हैं कि एक बदलाव की जरूरत है आज के वक्त में। लोगों ने मुख्य पार्टियों को देखा है, परखा है, आजमाया है और मायूस हुए हैं। लोगों के अंदर एक निराशा है। पिछले 8 वर्षों से, खास तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं से भी लोगों को वंचित कर दिया गया है। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और हर तरीके से लोग अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, मायूस महसूस कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी एक रोशनी की किरण के रूप में लोगों को नजर आ रही है। तो गर्मियों के मौसम में बाहरी राज्यों के लोग काफी संख्या में जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और रियासी के साथ साथ यहां पर आप देखिए रियासी में स्थित धार्मिक स्थल जो कि शिवखौड़ी में इन दिनों काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। शिवखौड़ी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने अन्य लोगों से भी अपील की है और वह भी एक बार शिवखौड़ी जरूर जाएं, जहां पर अपनी नजर से ही वो नजारा देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ साफ सफाई की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर लगे कूड़े के ढेर कैमरे में कैद हो गए हैं। शिवखौड़ी यात्रा पर्ची काउंटर सहित कुछ अन्य
विभिन्न जगहों पर कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं और अब अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ ही शिवखौड़ी में भी श्रद्धालुओं की काफी संख्या में आने की उम्मीद है और ऐसे में साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मेरा नाम डॉक्टर विजय जैन है, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। शिवखौड़ी जाए जहाँ पे भोले बाबा की गुफा है जी, तो हमें यहाँ पे आके इतना आनंद आया, हमें बहुत मज़ा आया और हम भगवान की कृपा करते हैं। हम यहाँ पे जो श्राइन बोर्ड का स्टाफ है उनका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और इतने अच्छे दर्शन करवाते हैं सबको, तो बहुत आनंद आता है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम सबको अपील करते हैं, भारतवासियों को भी अपील करते हैं और बाहर के लोगों को भी अपील करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और जब भी वैष्णो देवी माता जाएँ और आते आते शिवखौड़ी यहाँ पर दरबार में आएँ और गुफा के दर्शन करें और यहाँ की जो डेवलपमेंट है उसमें हम भारत सरकार को भी कहते हैं कि वो और इनकी हेल्प करें ताकि यहाँ पे भारत सरकार प्लस और बाहर के लोग सभी आए दर्शन करें जी। मेरा नाम प्रेटी, हम पटियाला पंजाब से आए हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, पहले हम वैष्णो मैया के दर्शन करके आए हैं तो फिर उसके बाद हमें वहाँ जाके पता चला कि शिवखौड़ी भोले बाबा जी का है, वहाँ से मन किया कि एक बार वहाँ जरूर जाएं। यहाँ पे शिवखौड़ी जी के दर्शन किए, बहुत आनंद आया, गुफा में जाकर भी बड़ा अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है कि सब कुछ अच्छा लगा और यहाँ की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, श्राइन बोर्ड वाले भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव मतलब स्टाफ है उनका और मैनेजमेंट भी अच्छी है, तो बड़ा आनंद आया। जो भी हम जाते हैं, जो भी वैष्णो मैया आते हैं, तो एक बार शिवखौड़ी के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन के लिए जरूर आए। मेरा नाम है गैरिश, मैं पंजाब और पटियाला से आया हूँ। पहले पहले आप कहाँ किसके दर्शन किए आपने? पहले हमने वैष्णो देवी माता गए थे, अब हम शिवखौड़ी भोले बाबा के पास आया जगेवन में जी। तो आपको किस तरह का महसूस हो रहा है, आनंद आ रहा आपको? हाँ जी जी। कितना आनंद आ रहा आपको? अच्छा। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से साफ सफाई व्यवस्था जो है वो करने की जरूरत है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।